स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 सी से क्वेश्चन नंबर 6 से। अब यहाँ पे रूट है, रूट से कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयरिंग के लिए हमने बता दिया था ax2 + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3। b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है आपके पास 6√3। और x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है -b² - b² - 4ac / 2। यही है। माइनस b का मतलब होगा -11, प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर, -4, और a का मतलब √3 और c का मतलब 6√3। जो चीजें जैसे हैं उनकी वैल्यू हमको बस यहाँ पे उस तरीके से लिख देनी है। -11 प्लस माइनस √11 का स्क्वायर होता है 121 और √3 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 × 6 = 72। ठीक है, 28 और यहाँ पे 21, यहाँ पे 2√3 मल्टीप्लाई में -11 प्लस माइनस √ कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 2√3 आ जाएगा। यही होगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 21 एक्स्ट्रा है। 100 से ये 28 कम है, 21 है एक्स्ट्रा है। तो -11 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2√3 ये आई आपकी एक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर एक्स is equal to -11 plus 7 upon में √3 और x is equal to -11 - 7 upon में 2√3। यही वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास? यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा माइनस का 4, 2√3, 2 × 1 = 2, तो -2 अपॉन में √3 यहां आया और यहां पे -18 अपॉन में 2√3, तो 2 × 1 = 2, 9 जहां कितना आ गया -9 अपॉन में √3। अब दोनों जगह पे इस तरह से आंसर्स आ रहे हैं आपके, आप क्या करोगे? 2 9 = 18 है ना? हाँ ठीक है, तो इसको क्या करो, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के लिए √3 ऊपर और √3 नीचे भी, 2 9 = √3 ठीक है, और यहां पे भी रेशनलाइज करने के लिए आप √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 2√3 अपॉन में 3 ये आ गया और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -9√3 अपॉन में 3 × 3 = 3, तो -3√3 ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपका। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेते हैं, 86x² - 60x + 23 = 0। a की वैल्यू 36, b की वैल्यू -60 और c की वैल्यू 23। x की वैल्यू -b + √b² - 4ac / 2। वैल्यू पुट करते हैं -60 + -√-60² - 4ac। a का मतलब 36 और c का मतलब 23 अपॉन में 2 × a, ये आ गया।
बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी माइनस सिक्सटी प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आएगा आपका 3600। अच्छा ये कितना आएगा आपका 3672 144 आएगा इंटू 23 72 नीचे है मल्टीप्लाई करना होगा किसको 144 इंटू 23 से 4 टाइम्स में कितना जाएगा आपका 92 कैरी लगा 9 23 से 4 टाइम्स में अगेन 92 तो 101 तो 1 कैरी लगा 10 23 वन जा 23 और 10 33 कितना आया ये माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 माइनस 3312 अपॉन में 72 फर्दर इसको क्या करें हम सिंप्लीफाई करते हैं देखो यहां पे सिर्फ 3000 से 3000 कैंसिल सिर्फ 600 से 312 है तो अगर सिर्फ 300 रहता तो 300 हो जाता 300 में 12 और कम कर देना है कितना कम कर देना है 12 और कम कर देना है तो कितना आ जाएगा ये 288 माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 288 आ जाएगा अपॉन में 72। अब देखो 288 के लिए आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 इनटू 2 होता है 288 तो यहां पे x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट में एक मिनट अंडर रूट से पहले क्या लिखेंगे 12 रूट 2 अपॉन में 72 144 इनटू 2 होता है 144 का 12 यहां पे रूट के बाहर आ गया 60 तो यहां पे 12 कॉमन ले लेंगे 12 5 का प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 72 12 1 का 12 6 का आंसर क्या आया 5 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 6 एक बार ये चीज प्लस में एक बार ये चीज माइनस में आंसर को यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं ठीक है 12 6 का 72 और नीचे बाई आ रहा था 72 नेक्स्ट है ये इजी है ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू 5 कैलकुलेशन कम है ना इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 1 और c का मतलब कितना हुआ 5 अपॉन में 2a 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 अपॉन में 2 और ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 अपॉन में 2 करेंगे कैसे इसको देखो अंडर रूट माइनस 16 को हम ले सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट नहीं 16 लिख सकते हैं फिर इसको फर्दर अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 16 कर सकते हैं और 4 रूट माइनस 1 लिख सकते हैं तो वही चीज यहाँ पे हम कर देंगे 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन में 2 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो 1 है यहाँ कितना आया 1 प्लस माइनस 2 रूट माइनस 1 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल कर दिया आंसर क्या आया 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन में कुछ नहीं बस ये आंसर आ रहा होगा ठीक है x की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू माइनस 17 एंड c इज इक्वल टू 25 x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a
माइनस बी यानी माइनस माइनस 17 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 17 का स्क्वायर, माइनस 4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब 25 अपॉनमेंट 2a यानी कि अपॉनमेंट 2 इंटू 3 17 प्लस माइनस 17 या 289 माइनस में ये 75 और इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जा रहा है और ये वैल्यू ग्रेटर है माइनस में और ये 6 आया 17 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 अपॉन में 6 मुझे नहीं लगता कि ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी नंबर ये हो गया आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 10 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 15 b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 28 वैल्यू देखो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इज इक्वल टू माइनस b तो माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a का मतलब 15 और c का मतलब 28 अगेन मल्टीप्लाई नहीं होता है जो कुछ है तो 2 इनटू 15 कितना आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 और ये हो गया 60 15 4 जो 60 6 से जो 48 और फिर 6 2 जो 12 और ये 16 80 कितना आया ये 30 ये किसी के स्क्वायर होता है यार 1680 के और 1680 का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आएगा 1679 नहीं इसको कहीं से प्लस होना मांगता है प्लस होना मांगता है वो भी यहाँ से होगा माइनस 28 तो माइनस 28 लगाना था और ये हुआ मेरा 1681 अपॉन 30 ये होना चाहिए था अब ये है किसका ये तुम्हारा 41 का है किसका है 41 का क्योंकि 40 का होगा 1600 ये 41 का 1 प्लस माइनस 40 अपॉन में 30 चलो सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस 40 अपॉन में 30 अरे 40 लिखा 41 बोल के भी मैंने 40 लिखा क्या लिखेंगे यहाँ पे 41 क्या लिखेंगे तुमने देखा हो गया मैंने बोला थकने के बाद ना दिमाग कहीं और चल रहा है और ये मेरा पेन कहीं और 1 प्लस नहीं 1 नहीं अब क्या होगा माइनस 1 माइनस 41 अपॉन में 4 अब देखो क्या आकृति ले रहा हूँ मैं थोड़ा स्लो होना पड़ेगा जल्दी जल्दी में ना चीजें खराब होती हैं 42 अपॉन में 30 6 5 जा 6 7 जा कितना आ गया 2 नहीं 2 नहीं 1 1 2 अपॉन में 5 5 5 5 और 5 2 7 अब ये कितना है माइनस 40 अपॉन में 30 0 से 0 कैंसिल माइनस 1 1 बाई 3 ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 11 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस इसका मतलब कुछ रूप में आएगा उसका डेसिमल पता होना चाहिए a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 1 और c का मतलब माइनस 3 अपॉन में 2a a का 1 है वैल्यू
कैलकुलेशन देखो, माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, ओके तो प्लस हो गया, टू वन जा टू, माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी वन अपॉन में टू। अब जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे वो क्या है, वो ट्वेंटी रूट ट्वेंटी वन की वैल्यू है जो कि फोर अंडर रूट ट्वेंटी वन का होगा 4.58, माइनस थ्री प्लस माइनस 4.58 अपॉन में टू। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री प्लस 4.58 अपॉन में टू और माइनस थ्री माइनस 4.58 अपॉन में टू, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। 1.58 अपॉन में 2 अगर करेंगे तो 27 जो 14, 29 जो 15, एक तो ये ऐसा हो गया और दूसरा वाला माइनस 3 है ना, इधर 3 पॉजिटिव था माइनस 3 है, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7.58 अपॉन में 2 करेंगे तो माइनस का 23 जो 6, 27 जो 14, 29 जो 18, माइनस का 3.79 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में है, अगेन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपको आंसर देना है टू डेसिमल प्लेस पर। तो 2/3x इज इक्वल टू, यहां क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा, होगा क्योंकि 3 से 2 टाइम्स में जा रहा है ये, तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 2/3x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस 2, 3 वन सा 3 टू सा 4x आया इधर, माइनस x इधर लेके आया x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है, माइनस बी यानी माइनस फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए का मतलब कितना है वन और सी का मतलब कितना है टू अपॉन में टू और ए का मतलब है माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन में टू, ये वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन में टू, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं। अभी कैसे लेंगे, अभी 2 कहाँ है कॉमन ले, अभी माइनस फोर प्लस माइनस टू रूट टू लिख सकते हैं इसको, अब 2 कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 और यहां पे माइनस 2 माइनस 1.41, यहां पे 100 में से 41 जाएगा तो 59 बचेगा और वो भी माइनस का, और यहां पे दोनों बस ऐड हो जाने हैं 3.41। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में भी a is equal to 1, b is equal to 6 और c is equal to minus 10, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a, minus 6 plus minus under root b square यानि कि 6 का square minus 4 ac यानि a का मतलब 1 और c का मतलब minus 10 upon में 2a यानि कि कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स
प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस हो गया और 40, यही ना होगा। देखो फुल टेंजा 40 अपॉन में 2 माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हुआ 76 38 का डबल 38 का हाफ 17 4 जा सॉरी 19 टू जा 38 4 और टू जा 76 तो माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 19 ये हुआ अपॉन में 2 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन में 2 2 से 2 यहां पे कैंसिल और आंसर में क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है 14 ओके देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 55x माइनस 11 x स्क्वायर माइनस 55 बस अब x स्क्वायर इधर है प्लस का 11x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 8 प्लस का 55 इज इक्वल टू 0 बस यही तो है कुछ टिपिकल सा लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आगे ab की वैल्यू a b की वैल्यू माइनस 55 और c की वैल्यू कितनी है 63 x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आई माइनस और माइनस 55 प्लस माइनस अंडर रूट में 55 का सॉरी माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 12 और c का मतलब कितना हुआ 63 अपॉन में 2 इंटू ए का मतलब 12 एक स्टेप और यहीं पे लिख लेते हैं 55 पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस का 55 का स्क्वायर चलो देखो कितना होगा 25 और 12 37 सही है कि नहीं 25 फिर यहाँ पर 275 5 12 0 2 और यहाँ पे 3025 हो जाना चाहिए 12 10 और 2 का 3 3025 माइनस 48 इंटू 63 कितना करना है हमको 48 इंटू 63 3 8 जा 24 14 6 8 जा 48 6 4 जा 24 28 4 2 0 3 3024 क्या करीब आए हैं तुम अपॉन में 24 दोनों कितने करीब आए 3025 आ गया इसको रब कर देते हैं इसका कोई काम नहीं कैलकुलेशन में मदद किया मैंने x की वैल्यू 55 प्लस माइनस 1 अपॉन में 20 यही नहीं
इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 आएगा, अंडर रूट के मान की वैल्यू 1. therefore x is equal to 55 plus 1 upon 24 or x is equal to 55 minus 1 upon 24. 56 upon 24, 8 threes are 8 sevens are 54 upon 24, 6 4 just 6 9 are 3 2 are 1 by 3 और यहाँ पे 4 2 are 1 by 3. ये आया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है. यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम वाई, वाई स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 बाई 2. 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाई स्क्वायर, 2 थ्री जा 6 इज इक्वल टू वाई. 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. A की वैल्यू 2, B की वैल्यू माइनस 1, C की वैल्यू माइनस 6, ये हो जाएगा. X is equal to minus B plus minus under root B square minus 4AC upon में 2 थे, minus B minus minus 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मतलब 2 और सी का माइनस 6. 1 ओ सॉरी यहां पे अपॉन वाला दे दूं, क्या आएगा अपॉन में 2 और ए का मतलब भी 2, 4. 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 20 सॉरी 24 का से 4 से 24 टू जा 48, क्या लिखेंगे 48 अपॉन में, ये हो गया. कितना आया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 4, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 4, तो देयरफॉर x is equal to 1 plus 7 upon में 4 और 1 minus 7 upon में 4. तो 8 by 4 कितना आया 2, 6 by 4 यानी के minus 3 by 2. ये आ गया मेरा answer. Next question है question number 16. 16 में भी क्या है, LCM x, LCM x into 2x, 2x square plus 4 is equal to 9. तो 2x square plus 4 is equal to how much? 9x. 2x square minus 9x plus 4 is equal to 0. A की value 2, B की value minus 9 और C की value 4. Formula में put करो, x is equal to minus b plus minus अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. तो माइनस माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c यानी 2 इंटू 4 अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 9 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 81 हुआ, 16 टू जा 30, अगेन 49 ही आएगा, दिख रहा होगा 81 माइनस 32, तो यहां पे ये 48 हुआ और प्लस ये 1 49 हो गया. तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 4, तो 9 प्लस माइनस 7 अपॉन में 4. Therefore, x is equal to 9 plus 7 upon में 4 और 9 minus 7 upon में 4. कितना आया, 16 by 4 कितना आएगा 4 और ये 2 by 4 कितना आ जाएगा, ये 1 by 2. दो answers आपके पास आए, या तो 4 या तो 1 by 2. Question number 17.
17 बस वही मल्टीप्लाई इंक्रीज कर गया है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -1 इन दोनों के इक्वल x नहीं आएगा। सॉल्व करो, बताया था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई x + 1 में, फिर x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस x + 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 में इज इक्वल टू 34 अपॉन में 15 इसको रहने देंगे। चलो देखो क्या आया, x² + x² + 1 + 2x ये क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab अपॉन में नीचे आया मेरे पास x² + x = 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पता होना चाहिए आपको, 15 इधर मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, 15 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले 2x² + 1 + 2x और यहाँ पे 15 लिख दिया, 34x² + x ये कर दिया। 15 * 30x² + 15 + 30x = 34 x² + 34x। ये वाली सेंटेंस पहले लिखूंगा मैं, तो 34x² मैंने पहले लिखा, 30x² इधर बुला रहे हैं, प्लस 34x और माइनस का 30x इधर बुलाया और फिर माइनस का 15 इधर आएगा। ये वैल्यूज उस साइड जा रही हैं, यानी ये वैल्यूज अपोजिट साइड के साथ, तो देखो ये वैल्यूज पहले लिख दी, 30 तो -30, 15 तो -15, प्लस का 30 तो -30x, 4x² + 4x - 15 = 0। a की वैल्यू 4, b की भी वैल्यू 4, c की वैल्यू -15। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, x = -b + √b² - 4ac / 2a। माइनस बी यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, -4 + √b² यानी 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -15। अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 2 और a का वैल्यू कितना है 4। -4 + √16 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में मल्टीप्लाई करना है 15 का और माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो 16 × 5 = 80 का 8 16 × 16 = 1 कितना आना चाहिए 4 × 16 = 80 का 0 16 × 16 = 24 2480 अपॉइंटमेंट 2408 तो ये कितना आ रहा है 2496 आ जा रहा है, कितना आ रहा है -4 + -, और ये कुछ ज्यादा नहीं आ जा रहा है 4 × 16 तो 16 × 15 करना था ना, 16 × 15 16 × 80 = 0 8 16 × 16 = 24 240 आ रहा है, वही तो कुछ ज्यादा ही आ रहा था 240 कितना आएगा 240 कुछ ज्यादा ही मल्टीप्लाई है सब अलग कर दिया। एक ही दिन में ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। -4 + - ये किसका है 16 का अपॉन में 8 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 + 16 / 8 और -4 - 16 / 8 तो कितना आएगा 12/8 और ये माइनस का 20/8 4 × 5 = 4 2 = 4 3 = 4 2 =
क्या क्या आया आंसर, या तो 3/2 और या फिर -5/2, ये आएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पे भी देखो बस टिपिकल मल्टीप्लाई है। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 4 का x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए। अब इसका इसमें और इसका इसमें, यानी 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में प्लस x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 में, और इधर 8 3s are 24 125 upon 3, कितना आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x प्लस 20 अपॉन में मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया 4x स्क्वायर और 6 5 11 19x और 20 यहां है, 20 के अलावा भी कुछ है क्या नंबर, नहीं, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 25/3। अब क्या करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई और 25 से ये सब मल्टीप्लाई, तो 3 4 12x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 60, 25 में x स्क्वायर 25x स्क्वायर, 25 इंटू 7 माइनस का 175x, अब प्लस का 25 12 300। सबसे पहले ये वाला साइड लिख रहा हूं मैं 25x स्क्वायर, इसको उधर लेके गए माइनस 12x स्क्वायर, फिर ये वाली साइड लिख रहा हूं मैं माइनस 175x प्लस का 57x प्लस का 300 माइनस का 60 इक्वल टू 0। कितना आएगा ये 13x स्क्वायर माइनस कितना आ गया 15 में से 7 8 1 118x, अरे 57 में 8 ऐड करेंगे 65 और 10 75 सही है प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू माइनस का 118 एंड सी इज इक्वल टू 240, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो माइनस बी माइनस माइनस 118 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए और सी का मतलब 240 अपॉन में 2 और ए का मतलब 13 यही है इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस अंडर रूट 13924 आएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा 52 into 24 12480 अपॉन में 26, 118 प्लस माइनस अंडर रूट 1444 अपॉन में 26, 118 प्लस माइनस ये किसका होता है
14 डबल 4 ये होता है 38 का अपॉन में 26. Therefore x is equal to 118 plus 38 upon में 26 और x is equal to 118 minus 38 upon में 26. Add करो 8 16 का 6 314 8 16 का 6 314 5 ना और 1 कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा है ना 26 से 3 टाइम्स में 78 का डबल होता है 156 तो 6 और यहां पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आई थिंक 80 अपॉन में 26 आएगा 40 अपॉन में 13 आएगा 13 3 जा 1 अपॉन में 13 ये दो आंसर्स आपके आ गए क्वेश्चन नंबर 18 के. क्वेश्चन नंबर 19 में आपका अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला ही काम है मेनली इसमें x प्लस 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में x प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसका इसमें किसमें x प्लस 2 में माइनस तो साइन चेंज कर लो साइन क्यों चेंज कर लो क्योंकि तुमको जरूरत है x प्लस 1 और x प्लस 7 क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अगेन साइन चेंज होगा चलो कुछ भी नहीं है बस टिपिकल क्या है इसमें मल्टीप्लिकेशन ही टिपिकल है और कुछ भी नहीं कॉम्प्लेक्स नेचर इसका बस उसी की वजह से दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 माइनस ब्रैकेट लगाया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x माइनस 7 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3x प्लस 1 कितना आएगा ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस एक मिनट गलत किया मैंने यहाँ पे देवसेना गलत किया देवसेना क्या करना है यहाँ पे ये 7x और माइनस x 8x से 8x कैंसिल कर लो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल कर लो 12 में से 7 गया 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3x प्लस 1 ये कर लो 5 इधर मल्टीप्लाई 15x प्लस 5 बनता 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ये वैल्यू पहले लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 15x इधर बुलाया प्लस का 14 माइनस 5 इधर इज इक्वल टू 0 किए सिंपलीफाई x स्क्वायर माइनस 6x 9 6 15 और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 9 वो भी पॉजिटिव चलो फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a minus minus 6 plus minus under root में b square यानि minus 6 का square minus 4ac a 1 और c 9 upon में 2 into 1 कितना आया ठीक है 6 प्लस माइनस 36 माइनस 36 अपॉन में 2 ये क्या हुआ
ये आंसर आया 3। गॉट इट, कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में भी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का। x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 का, और x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 का। कितना आ जाएगा ये? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। सबको एक साइड लेके आओ और एक बार सिंपलीफाई कर ले, उसके बाद करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब करते हैं एक साइड। 3x स्क्वायर प्लस 7x से पहले हमको करना पड़ेगा माइनस का 2x स्क्वायर ला दें यहीं पे, ऐसे आपको सिंपलीफाई करने में आसान होगा। ठीक है, अब क्लियर है। माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का 11x और माइनस का 15, कितना आया? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू माइनस 11। तो x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। माइनस बी का मतलब माइनस माइनस 4, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस 4 ए सी, ए का मतलब हुआ 1 और सी का मतलब माइनस का 11 अपॉन में 2 ए। ए का मतलब कितना हुआ यहां पे? ए का मतलब है यहां पे 1। चलो आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना हुआ? सिंप्लीफाई करने के बाद x इक्वल टू पॉजिटिव हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, और ये हो गया आपका प्लस का 44 अपॉन में 2। 4 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हुआ ये? 60, यही आएगा ना 16 और 44 ऐड करने पे, अपॉन में 2। 15 4 जा तो 4 के लिए 2 कॉमन, 2 रूट 15 अपॉन में 2। 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये जो बचा यही आपका क्या हो गया? आंसर। यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी थे, आसान थे। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है, जो कंफ्यूजन आता है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है। और इसमें भी 21 में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है? पूरी तरह से ए कहलाता है। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या कहलाता है? पूरी तरह से बी कहलाता है। और ये जो टर्म है कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। बस ये चीज अगर आपने समझ ली तो फॉर्मूला सेम है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस 3ab प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि माइनस 3ab का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब ए स्क्वायर और सी का मतलब 2b स्क्वायर अपॉन में 2a और a का मतलब a स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 3ab प्लस माइनस अंडर रूट में 3 3 जा 9, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 2 जा 8, a स्क्वायर b स्क्वायर, हो गया ना सिंपल 2a स्क्वायर। अब 3ab प्लस
क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो 9 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 8 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचेगा 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पे 2a स्क्वायर। मोर फर्दर सिंप्लीफाई किए ए बी अपॉन में 2a, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर फर्दर हम a कॉमन ले सकते हैं और 3b प्लस b, a फिर से कॉमन लिया तो 3b प्लस b अपॉन में 2a, 2 से सॉरी 2 नहीं a से कैंसिल, क्या है आपके पास 3b प्लस b अपॉन में 2। मिस क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं, मिस क्या हो रहा है, प्लस माइनस वाला साइन, प्लस माइनस वाला साइन ये मिस हो रहा है। देखो ये लगा दिया x is equal to 3b plus b upon 2 और x is equal to 3b minus b upon में 2, क्या क्या आएगा 4b upon में 2, कितना आ गया 2b। एक और चीज यहां पे मिस हो रही है, वो ये कि यहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर होने की वजह से सिर्फ यहां पे एक पावर रिड्यूस होगा, यहां पे 2a रह जाएगा, 2a रह जाएगा, a रहेगा, a है, एक a है इसके पास, तो 2b by a आएगा और यहां पे 2b by 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा b by a। हां यहां पे देखो दो मिस्टेक हुआ था, एक तो माइनस साइन लगाया था, यहां पे एक a स्क्वायर था, a स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर पावर घटेगा, a एक बच जाएगा यहां पे, ठीक है, आंसर दोनों यही आ रहा होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दो और क्वेश्चन है वो भी करते हैं। अब यहां पे क्लियरली कंपेयर करें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -a a +1, बस ये दिख रहा है, अगर ये आपको आ रहा है तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon में 2a। मोस्टली ना बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, बाकी सब तो इजी है नंबर्स वाले। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, पहले लिखेंगे 4, a का मतलब 1 और c का मतलब माइनस a a प्लस 1, ये पूरा c है याद रखना, ये रहा c, यही है, अपॉन में 2a, 2 यहां आ गया, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस, अंडर रूट 1 लिखा मैंने, माइनस लिखा, अब यहां क्या लिखेंगे वो देखो, ए स्क्वायर है, दो स्टेप में कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए, ये एक स्टेप मैंने कर दिया यहां पे। अब अगला स्टेप करते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, तो माइनस कहां, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए अपॉन में 2, ये साइन दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा क्या, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, हाँ दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये a प्लस सॉरी 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर है, किसका 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर है, आपको नहीं लग रहा तो आप ओपन करके देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 2 जा 4 ए बी आ रहा है, तो यहां अब यहां तक आ गया, अब यहां के बाद क्या करेंगे, ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 ए है ना, क्या हुआ ये जो स्क्वायर था रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया, कितना आ जाएगा देयरफॉर x is equal to 1 प्लस 1 प्लस 2 ए अपॉन में 2 और x is equal to 1 माइनस 1 माइनस अपॉन में 2 है ना, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 ए और या फिर 1 प्लस 1 प्लस 2 ए, कितना आएगा ये 2 प्लस 2 ए अपॉन में 2, 2 कैंसिल किया 1 प्लस ए अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे x की वैल्यू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ए अपॉन में 2 यानी कि कितना आएगा माइनस का ए,
दो वैल्यूज आई मेरे पास, एक कौन सी आई 1+8 और एक आई -8। अब इसके बाद देखो कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये थर्ड पार्ट है और इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे भी कुछ टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन मेरे अरेंज करने के बाद आपको नहीं लगेगा। देखिए आप 10x² + 3bx - 7ax + a² - b² = 0। अगेन 10x² + 3b - 7a, और मैं यहां पे x लिख दूं और a² - b² ऐसे ब्रैकेट में रख दें, क्या दिक्कत है? x² के साथ a, x के साथ b और c कांस्टेंट, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 3b - 7a और c की वैल्यू a² - b² आ गया ना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4a अपॉन में 2a, माइनस बी माइनस 3b - 7a, ये तो ऐसे ही है ना पॉजिटिव, हाँ ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी 3b - 7a का होल स्क्वायर। देखो कुछ भी हो करना है तो करना है, होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद -4a का मतलब 10 और c का मतलब a² - b² आ रहा है, कोई कलमा होगा अपॉन में 2a 2 × 10, तो माइनस का 3b प्लस का 7a, इसको तो मैंने कर लिया है यहां पे, लेकिन जो मेन कैलकुलेशन है ना वो यहां है 9b² + 49a² - 7 × 21 = 42ab। सही किया मैंने, a² b² 2ab, 7 × 21 = 42ab। और यहां पे कितना होगा माइनस का, 40 × 40 40a² - - + 40b² पता है क्वेश्चंस बस देखने में इतने टिपिकल लगते हैं, लेकिन आप सॉल्व करोगे आपके लिए ये क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। देखो हमारे लिए हुआ या नहीं हुआ, ये माइनस का 3b प्लस का 7a प्लस माइनस साइन लगाए, और अब देखो ऑपरेट करो 9b² 40b² 49b² 49a² 40a² तो प्लस में 9a² और माइनस में 42ab। अभी और सिंपल हो जाएगा, देखना था कैसे और हो जाएगा, x = -3b + 7a + - √। ये क्या लग रहा है आपको, 7b + 3a का होल स्क्वायर लग रहा है मुझे, 7a + 3b का, एक मिनट एक मिनट, 7b + 3a उल्टा बोल दिया मैंने, 7b + 3a का होल स्क्वायर है अपॉन में 20। देखो 7 × 7 = 49, b के लिए तो b के लिए ये कितना आया -3b + 7a + - रिमूव हो जाएगा 7b + 3a, ब्रैकेट में रखिए क्योंकि इसके सामने दो साइन, therefore x = -3b + 7a - 7b - 3a upon 20 और -3b + 7a, यहां माइनस साइन ले लिया प्लस साइन ले रहे हैं तो +7b + 3a upon 20। क्या आएगी यहां पे वैल्यू 3b - 7b तो माइनस का 4b और 7 में से 4a अपॉन 20। यहां पे कितना आएगा 3b 7b तो 4b 7 3 10
ए अपॉन में 20, इतना ही आ रहा है। यहां पे 4 कॉमन लिया, ए माइनस बी अपॉन में 20, 4 बाई 5, तो 4 वन से 4 5, ए माइनस बी अपॉन में 5। यहां वाला आंसर तुम चेक करना, चेक करके बताना क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपका माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b प्लस 3a करेंगे तो 7a 3a 10a हो जा रहा है, 3b 7b कितना आ जा रहा है, 4b आ जा रहा है। तो यहां पे कॉमन सिर्फ हम ले पा रहे हैं 2, तो आ रहा है 2b प्लस 5a अपॉन में 20, 2 1 सा 2 10 सा, और इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो नहीं हो पाएगा, ये आएगा 2b प्लस 5a अपॉन में 10। तो ये आ रहा है, आप बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे 2b अपॉन में 10 प्लस 5a अपॉन में 10 भी लिख सकते हैं इसको, तो 2 1 2 5 जा b बाई 5 प्लस 5 1 जा 5 2 जा a बाई 2। तो बात ये मेनली यही रह जाएगा, यही रह गया। तो एक आंसर तो मैच कर रहा था बुक के साथ, दूसरा वाला मैच नहीं कर रहा है, तो आप देखना कि एक्चुअली में कौन गलत है, मैं या बुक, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। टू एयर इज ह्यूमन, गलती होती रहती है, हम लोगों से भी होती है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।